जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भाग्यफल जाने, लेकिन उसके पहले देखिए आज के जन्मे हुए बच्चों का भविष्यफल। मंगलवार का दिन मृगशिरा नक्षत्र गंड योग चंद्रमा मिथुन राशि पर स्थित है। आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है, इन बच्चों के तीसरे दशक में भाग्य जागृत हुआ। ये बच्चे जीवन में हायर एजुकेशन को प्राप्त करने में सफल होंगे, माता पिता के लिए बहुत आज्ञाकारी होंगे, लेकिन इनकी ग्रह शांति आप जरूर कराइएगा जिससे उनके स्वास्थ्य का संकट ना आए। वहीं आज जिनका जन्मदिन है उनके ये साल मिला जुला फल देने वाला होगा। आप जान लीजिए प्रारंभिक जो 7 महीने हैं भाग्य सूचक है। नौकरी, व्यवसाय, नए भवन की प्राप्ति का योग बन रहा है, वाहन भी खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया। 8वें से 12वां महीना संघर्ष और परेशानी वाला रहेगा। धन, नौकरी, व्यवसाय सब चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सुंदर कांड का पाठ कीजिए, अग्रह शांति आप जरूर करवाइए, आपके लिए बहुत आवश्यक है। मूलांक की बात करें तो मूलांक 1 है। शुभ रंग की बात करें तो लाल, केसरिया, लोटस कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बुधवार को हरे रंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। भाग्य प्रतिशत की बात करें 72% भाग्य आपका वर्ष पर साथ देगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से आपका क्या भाग्योदय होने जा रहा है। 1, आज के दिन मिला जुला असर रहेगा, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, मानसिक परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। 2, संतान की ओर से आज आपको परेशानी और तनाव मिलेगा, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बना करके चले। 3, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 4, आज आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 5, आज परिवार के सदस्यों के साथ आपका समय बिताना अच्छा रहेगा। 6, भौतिक वस्तुओं, भौतिक चीजों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। 7, आज अच्छी दिनचर्या अपनाने पर पूरे दिन का लाभ उठाया जा सकता है। 8, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिल सकता है, आलस्य के कारण किसी भी कार्य को अधूरा मत छोड़िए। 9, दिन की शुरुआत में काम में अड़चन आ सकती है। शारीरिक सुंदरता में अच्छे नेत्र, नक्श और हेल्थ के बारे में तो आपने बहुत कुछ, और हाइट के बारे में भी आपने जाना है। जरूरत से कम और जरूरत से ज्यादा हाइट होना ये भी खराब माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान में जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना है, वो ग्रहों पर है। उन्हीं ग्रहों को मजबूत करके अच्छी लंबाई पा सकते हैं। लेंथ, लंबाई, अच्छी लंबाई चाहते हैं तो लग्नेश यानी लग्न के स्वामी को मजबूत करना पड़ेगा। नवग्रह में सूर्य को शारीरिक संरचना का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। मंगल से संबंधित उपाय करके अच्छा कद, अच्छी हाइट पा सकते हैं। मंगल खेल कूद शारीरिक बल के प्रतिनिधि ग्रह हैं। रक्त, मज्जा, मांसपेशियों पर भी मंगल का ही अधिकार है। प्रतिदिन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या ओम अंग अंगारकाय नमः, या शिवलिंग पर शहद अर्पित करें, गुड़ का सेवन करें, गुड़ में कई स्वास्थ्यवर्धक तत्व भी हैं, शारीरिक विकार के लिए जरूरी होता है। रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच गुड़ या शक्कर मिलाकर के पिए, इससे आपकी लंबाई बढ़ेगी। 1 महत्वपूर्ण बात, इन उपायों पर अमल करने से पहले यदि आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए। जिनके पास कुंडली भी नहीं है